हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हो मोटोस्ट्रॉइड। और अभी तक जितनी क्वेरीज थी i20 को लेकर न्यू वाली, मैंने सारी क्लेरिफाई की है। इवन आपको एक्सटीरियर, इंजन, इंटीरियर सब कुछ दिखाया। आप जाके देख सकते हैं, वीडियोस आपको दिख जाएगी चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी। बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि टाटा अल्ट्रॉस जो इसका मेन कॉम्पिटिटर है, और इससे पहले मैंने कंपेयर किया था किया सोनेट से, तो वो आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। ट्रांसमिशन में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया। IVT, IMT, DCT जितने ट्रांसमिशन Hyundai i20 में आएंगे उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको मैं बताने वाला हूँ टाटा अल्ट्रॉस वर्सेस न्यू Hyundai i20 2020। सो बहुत ज़्यादा मैसेजेस इस पर भी थे कि इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करें, तो वो मैं आपको आज क्लेरिफाई कर दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं अपन इसमें कि अल्ट्रॉस जो है इसमें आपको ट्रांसमिशन से DCT और IVT, IMT ये सब नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट चीज़ें तो ये कट डाउन हो जाती है, तो अगर आप इन सब ट्रांसमिशन के सर्च पे हैं तो ये आपको नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद अपन देख लेते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में। तो मैनुअल ट्रांसमिशन में गाइस, जैसे कि अल्ट्रॉस को बहुत ज़्यादा हाइप दिया गया था कि अंडर पावर इंजन है, बट अगर आप देखेंगे जो Hyundai i20 का 1.2 लीटर का इंजन है वो भी आपको सेम फील देता है, फीडबैक देता है, वो भी बहुत अंडर पावर आपको लगता है। सेम ऑलमोस्ट इनका पावर आता है, इसका i20 का 83 PS आता है और इसका 85 PS आता है। टॉर्क भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 130 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क मिलता है ऑलमोस्ट दोनों में, तो सेम परफॉर्मेंस मिलता है। बट ये है कि थोड़ी सी अल्ट्रॉस जो हैवी है इसलिए हल्का सा इसमें इसको डिसएडवांटेज हो जाता है। बट अगर आप अल्ट्रॉस पे जाते हैं तो आपको ड्राइविंग बूट्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स, सिटी और इकोनॉमी, ये तीनों ड्राइविंग बूट्स मिल जाते हैं। और जिनको ये लगता है ये गिमिकी है, तो गाइस मैं आप करेंटली देख रहे हैं मैं नेक्सॉन में बैठा हूँ और बहुत टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ अल्ट्रॉस भी, मैंने बहुत लॉन्ग टर्म में ड्राइव करी तो उसके वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे चैनल पे। तो बहुत ही स्मार्टली डिज़ाइन करे गए गाइस ये मोड्स, आपको बहुत अच्छा माइलेज और बहुत अच्छा पावर दे देंगे, और इसको आप गिमिकी ना समझे, AC बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अपन बात कर लेते हैं पेट्रोल इंजन की, तो गाइस इसमें पेट्रोल इंजन जो मिलता है 1.2 लीटर से अगर आप कंपीट करें तो आई थिंक आपको जाना चाहिए अल्ट्रॉस पे, और अगर आप स्पोर्ट्स वेरिएंट पे जा रहे हैं तो आपको अल्ट्रॉस में टॉप एंड वेरिएंट में ड्राइविंग मोड्स के साथ वही इंजन आपको मिल जाएगा। तो ये आई थिंक अल्ट्रॉस पे जाना चाहिए क्योंकि आपको प्राइस में भी अच्छा खासा फ़र्क मिलेगा। जो इसकी प्राइस आएगी थोड़ी सी एक्सटेंड होकर आएगी, और इसमें जैसे अलॉय व्हील वगैरह कट डाउन हो गए हैं तो ये भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जो न्यू Hyundai i20 के जो मिडिल वेरिएंट्स आएंगे उसमें आपको अलॉय व्हील्स कट डाउन हो जाएंगे। और उसके बाद देख लेते हैं अल्ट्रॉस का डीजल, तो आपको i20 में भी डीजल मिलने वाला है, तो यहाँ पे भी कॉम्पीट बहुत अच्छा करती है। क्योंकि अगर आप अल्ट्रॉस का डीजल देखें, मैं करेंटली यूज़ कर रहा हूँ सेम इंजन आपको नेक्सॉन में मिलता है, 1.5 लीटर का 108 PS का पावर प्रोड्यूस करता है, तो बहुत ही अच्छा इंजन है, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी है, और ड्राइविंग मोड्स के साथ अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको माइलेज मिल जाएगा। सो जो डीजल वेरिएंट में जाना चाह रहे थे, अगर आपको मैनुअल में लेना है तो आई थिंक आपको अल्ट्रॉस में जाना चाहिए, क्योंकि जो उसमें इंजन आपको मिलता है Hyundai वाला ओल्ड इंजन जो मिलता है न्यू Hyundai i20 में, वो इंजन जो है माइलेज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देता है और पावर भी आपको डिसेंट सा मिलता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर नहीं मिलता। तो इसमें भी आई थिंक टाटा ने थोड़ी सी बाजी मार ली है। लेकिन अब जहाँ पर i20 जो है पूरा मैटर क्लोज करती है वो है गाइस आस्टा, और आस्टा ऑप्शनल जो वेरिएंट्स आएंगे उसके फुल ऑफ फीचर प्रूफ है। 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन मिलेगा, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरा आपको डिजिटली मिलेगा, वायरलेस चार्जिंग, एयर प्यूरीफायर, रियर एसी वेंट्स, खैर इसमें भी आपको रियर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, सनरूफ मिल जाएगा, ये बिल्कुल क्लास लीडिंग होगा, आपको सनरूफ मिल जाएगा, DCT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, IVT मिल जाएगा, IMT मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जो है अगर आप टर्बो इंजन पे जाते हैं और मैनुअल ट्रांसमिशन को छोड़ के कोई अदर ट्रांसमिशन पे जाना चाहते हैं तो गाइस आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि जो टर्बो पेट्रोल इंजन है इसका Hyundai का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मैंने वेन्यू पे उसको बहुत ड्राइव किया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजन है और बिल्कुल आपको पावर डिलीवरी जो है लैग नहीं करती और माइलेज भी सिमिलर देती है, क्योंकि 1.2 लीटर इनका जो इंजन है उतना स्ट्रॉन्ग माइलेज नहीं देता, तो माइलेज भी उतना नहीं मिलता। तो अगर आप टर्बो वेरिएंट पे जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास ऑप्शन ख़त्म, आप Hyundai i20 का वेट करिए, थोड़ा सा प्राइस हाइक होगा लेकिन आपको एक बहुत अच्छा इंजन और बहुत सारे अच्छे अच्छे गेयरबॉक्स आपको एज ए ऑप्शनल मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं DCT, IVT, IMT की, तो गाइस इस पर एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया जस्ट इससे पहले पब्लिश हुआ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, तो वो वीडियो में आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। और जो है अल्ट्रॉस में जो आपको
वो मिलता है इंजन ऑप्शन 1.2 लीटर वाला, उसमें एक चीज़ का बेनिफिट है जो आपको Hyundai i20 के 1.2 लीटर में नहीं मिलेगी, वो है गाइस माइलेज। सो गाइस अल्ट्रॉस का जो 1.2 लीटर इंजन है ये मैंने टेस्ट किया है, ये आपको 18-19 का माइलेज बहुत ईजिली दे देता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है आपको, बहुत ज़्यादा उस पर गेयर बॉक्स और क्लच पे फोकस नहीं करना पड़ता माइलेज निकालने के लिए। और अगर आप हाईवेज पे आते हो सिंपली आप इकोनॉमी मोड पे स्विच किए, गाड़ी 20 प्लस माइलेज आराम से देती है। और ये नहीं, आप बहुत सारे वीडियोस इसके देख चुके होंगे और नहीं तो मैं आपको लाइव एक बार दिखा दूंगा। तो अगर आप माइलेज के लिए प्रेफर कर रहे हैं तो अब तो भी आपको अल्ट्रॉस में जाना चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको अच्छी बता देता हूँ, जो अल्ट्रॉस का म्यूज़िक सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बूट स्पेस आपको अच्छा मिलने वाला है, तो ये सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। सो बस गाइस यही था, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं बताना चाहता था, मैं आपको सिंपली क्लेरिफाई करना चाहता कि प्राइस के हिसाब को इंजन्स कौन से मिल रहे हैं और आपको फीचर्स कौन से मेजर मिल रहे हैं। तो अगर आपको इससे थोड़ा बहुत हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बस बाय बाय।